फर्नीचर के नाम पर हमने स्टैंडर्ड के नाम पर जीवन शैली के नाम पर बहुत परिवर्तन किया है, लेकिन अंतरंग जब तक परिवर्तन नहीं आएगा, अंतरंग में हमारे गुणों का प्रादुर्भाव नहीं होगा, अंदर में हम ये नहीं समझेंगे, क्योंकि भौतिक सामग्री लाख हो परिवार में, जब तक शांति नहीं आएगी, जब तक कि हमारे जीवन में संतोष और नीति न्याय हमारे जीवन में नहीं आएगा, क्योंकि कलयुग और सतयुग हमेशा से रहते हैं। सज्जन पुरुषों के लिए सतयुग रहता है और दुर्जनों के लिए कलयुग होता है। हम हमेशा बुराइयों को इकट्ठा कर लेते हैं। आज आपसे पूछूं अंजन कौन था, तो ये नहीं कहोगे निरंजन था, तत्काल बोलोगे अंजन चोर था, मुझे पता था यही बोलोगे। क्यों? क्योंकि कोई क्या हो गया इस पर हम ध्यान नहीं देते, कोई क्या था हमारी बुराई का नजरिया, हम यही देखते कोई क्या था, अरे एक चोर था, लेकिन वो परमात्मा बन गए, हम उनको चोर बना रहे हैं। अरे बन गए, उनकी पूर्व पर्यायें थी, हम पूर्व पर्यायों को गलतियों को क्यों याद रखते हैं। केकई, आज कोई अपनी बेटी का नाम केकई नहीं रखता है, लेकिन ध्यान रखो वो केकई भी ज्ञानी थी, पंडिता थी, विवेकी थी, ऐसी शस्त्र अस्त्र में पुरुषों को मात कर दे, ऐसी ज्ञानी थी, और सिर्फ एक गलती हो गई, और वो भी मैं तो मानती हूँ कि उसके सामने परिस्थिति ऐसी थी, पति भी वैरागी था और बेटा भी वैरागी था, जब जवानी में दोनों तट टूटने को तैयार हों, यदि वो कुछ मांग ले, और हमारे जैन शासन के अनुसार उन्होंने राज्य तो मांगा था, लेकिन राम को वनवास नहीं मांगा था, राज भी इस भामोह के कारण मांगा था कि भरत राज्य में रहेगा तो शायद अपनी प्रतिज्ञा के कारण नहीं जा पाएगा। हमारे यहाँ दशरथ ऐसे आर्त ध्यान से नहीं मरे हैं, बेटी की चिंता में नहीं मरे हैं, बेटी के लिए कलप कर नहीं मरे हैं, जो आप लोग पढ़ते हैं उसमें कि बेटे के व्यामोह में मर गए, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ तो दीक्षा ले गए, हमारे जैन शासन के अनुसार दीक्षा ले गए, हमारे जैन शासन के अनुसार भीष्म पितामह भी, हालांकि आता है कि हजारों लोग मारे हैं जिस दिन संन्यास लिया, लेकिन हमारे यहाँ संन्यास लेके स्वर्ग गए, क्योंकि विवेकी जीव युद्ध कर भी लेता है तो आखिरी में प्रायश्चित भी कर लेता है, संकल्प भी हिंसा नहीं करता है, और जो बाहर से भले ही तावीज दिखाए, चाहे डोरे डाले, चाहे माला फेरे, लेकिन अंतरंग में जब तक मिथ्यात का उदय है, अंतरंग में जब तक राग देश है, तब तक तुम्हारी परिणति सही हो ही नहीं सकती है, चाहे कितने भी कोशिश कर लेना। तो आप सबको पता है सत्य घोष क्या करता था, गले में एक चाकू डालकर रखता था, लेकिन उसने क्या किया, चाकू क्या करेगा, चाकू तुम्हें शुद्ध नहीं बना देगा, अंदर में चले अंदर कतरनी तो, चले अंदर कतरनी तो करे क्या हाथ की माला, और हमारी वासनाओं ने हमें बदनाम कर डाला। घर में क्या होता है, राग द्वेष के कारण तो लड़ाई होती है, जो आपने चीज चाही जिसके प्रति राग था और नहीं मिल पाई, झगड़ा होता है, उसने भी ऐसा ही किया, राग हो गया, आसक्ति आ गई, मोह आ गया कि ये रत्न मैं रख लूं, और जब वो मांगने आया तो उसे धक्के देकर निकलवा दिया, और वो तो वही बात कहता था, रामदत्ता राजा की पत्नी थी, एक दिन उसने सुना कि बार बार एक पुरुष यही कह के रोता रहता है कि मेरे पांच रत्न सत्यघोष ने रख लिए, मेरे पांच रत्न रख लिए। उसने राजा से कहा, राजा ने पता लगाया तो लोग कहने लगे उसका दिमाग खराब हो गया, क्योंकि इसने सत्यघोष ने ऐसी खबर फैला दी थी कि वो तो पागल हो गया और विदेश में धन हार आया, इसलिए चाहता है कि मैं उसे रत्न दे दूँ, झूठा आरोप लगाता है, मैं इतना त्यागी, मैं कभी असत्य बोलता ही नहीं, बोलूं तो अपनी जबान काट लूं, ऐसी उसने कहते हैं कि भपका बना रखा था, प्रभाव डाल रखा था। लेकिन आप सबको पता है स्त्रियां बड़ी बुद्धिमानी होती हैं, जब पुरुष काम नहीं निकाल पाते तो स्त्रियां निकाल लेती हैं। घर में भी आपने देखा होगा, पांच छह दिन पहले कहना चालू कर देती हैं, घी खत्म हो गया, चीनी खत्म हो गई, लेकिन घर में कोई आ जाए तो रूखा नहीं खिलाती हैं, आपसे कहेंगे आपको भले ही रूखी रोटी दे दें कि अब कह रही थी इतने दिन से नहीं आया तो खाओ, लेकिन कोई मेहमान आ जाएगा तो इज्जत बचा लेगी वो,
क्योंकि उसे पता है कि मेहमान को कैसे रखना है। स्त्रियां बहुत बुद्धिमान होती हैं। तो राम दत्ता ने भी देखा, एक ही बात तो कहता है, कुछ और नहीं कहता है। पागल होता तो कुछ और भी तो कहता, वो सिर्फ यही की बात कह के रटता है, रोता है, ना खाता है ना पीता है, पागलों की तरह हो गया और एक ही बात रटता है। उसने एक दिन सत्यघोष को, वो तो आता ही रहता था, वो तो सेठ था और कहते हैं पुरोहित था, इसलिए आता रहता था। और एक दिन उसने चौपड़ खेलने बैठा लिया रामदत्ता ने, और चौपड़ खेलते खेलते उसका क्या किया, अंगूठी जीत ली। और अंगूठी जीत कर 2 मिनट को अंदर गई, कहने लगी आ रही हूँ अभी। और अंदर जाकर अपने नौकर को कहा कि उसके यहाँ जा और कहना अंगूठी दी है और सारे रत्न मंगाए हैं। वो कहती कि नहीं, सेठान जो पुरोहित की पत्नी थी सत्यघोष की, वो कहती नहीं ऐसे नहीं दूंगी, उनसे कुछ लिखवा कर लाओ। तो वो फिर आती है, फिर रानी को बताता है नौकर की वो नहीं दे रही है। तो रानी खेल खेल में उसका जनेऊ भी जीत लेती है और कहती है, फिर जाकर बोलती है कि जनेऊ दिया है। बोलना कि जनेऊ तो कभी गले से कोई उतार नहीं सकता, अंगूठी तो गिर सकती है, लेकिन जनेऊ उन्हीं ने दिया है। और कहा है वो आपत्ति में फंस गए राज दरबार में, उन्हें सजा हो जाएगी, वरना तुरंत सारे रत्न दे दो। वो सोचती है कि वास्तव में कोई आपत्ति में होंगे जो लिख भी नहीं रहे, और जनेऊ तो गले से गिर तो सकता नहीं, उतार के दिया होगा। वो पूरे रत्न दे देती है और रामदत्ता रत्नों को कह के उस विप्र को बुलाती, उस व्यक्ति को बुलाती है और कहती है बहुत सारे रत्न, खुद के भी मिला देती है और बोलती है बताओ तुम्हारे रत्न कौन से हैं। वो व्यक्ति बहुत ईमानदार था, वो 5 ही रत्न लेता है, जो उसके रत्न थे वही 5 उठाता है, कहता मेरे तो ये 5 हैं, इसके अलावा मेरे कोई नहीं है। रामदत्ता समझ जाती है कि वास्तव में ईमानदार है, इसने इतने रत्नों में से एक की तरफ नज़र नहीं डाले, इसने अपने रत्न पहचान लिए, इसका मतलब इसने मेहनत की कमाई से जोड़े होंगे। आप लोग भी तो अपनी चीज़ें, लाख एक सी चीज़ों अपनी पहचान लेते हो। तो कहते हैं कि रामदत्ता, राजा को तो क्रोध आएगा कि इसने ऐसा काम किया, और राजा दंड देता है कि या तो गोबर खाओ और नहीं तो 1 थाल गोबर खाओ और वरना 100 कोड़े खाओ। तो कोड़ों से डर जाता है तो कहता गोबर खा लूँगा, गोबर से डर जाता है तो कहता कोड़े खा लूँगा, आखिर कोड़े खाते खाते मर जाता है और सर्प होता है मर का, सर्प होता है। और आगे चलकर राजघराने में जहाँ पर खजाना था वहाँ सर्प होता है और राजा को काट लेता है। सब सर्प सपेरों को बुलाया जाता है, सब लोग झाड़ते हैं फूंकते हैं जो भी मंत्रवादी होते हैं, लेकिन ये शर्त रखी जाती है कि या तो सर्प जहर वापस ले लो नहीं तो आग में प्रवेश कर जाओ। वो आग में प्रवेश कर जाता है, लेकिन राजा से इतना द्रोह होता है कि वो आग में जाना मंजूर करता है, लेकिन राजा का जहर नहीं उतारता, मतलब ये। और आप देखिए मर कर फिर और कुगतियों में जाता है और जाकर एक बार क्या विद्याधर बन जाता है।